गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पास्ट एचएनएस स्कूल। आज आपकी क्लास 8 की मैथ्स का अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रेशनल नंबर्स, इसकी 7th क्लास है, पार्ट 7। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 1 नंबर 9। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बेस्ड है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर 9। नंबर 9 को रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट 7 by 4 को। ठीक है, तो 7 by 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं मान लो स्टार्ट करता हूँ जीरो से। ठीक है, देखिए 0/4 जो है आपका जीरो होता है। जीरो के नीचे जब कोई भी संख्या आती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा। उसके बाद उसके आगे से स्टार्ट करता हूँ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके बन जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यूएशन क्या है, 1 है। फिर 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4, 8/4, 2 है। ठीक है, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है वो आपका कौन सा नंबर है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, और जब ऐसा नंबर होता है तो उस केस में क्या होता है, आपका जो वैल्यू आती है आंसर का डिवाइड करने के बाद में 1 से ज्यादा आती है। और ये 4 जब हो ये तो 7 है, न्यूमरेटर इसका 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो ये 1 से बड़ा होगा। 4 2 8 होता है। ठीक है, इसका मतलब 8 नहीं है तो 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू नहीं, यहाँ पे आएगी 7/4। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर 9 का। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑन नंबर 9, इसी का फर्स्ट और सेकंड आपका होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन का आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंट करने नंबर्स को -2/11, -5/11 और -9/11 नंबर 9 पे। ठीक है, तो मैं इस नंबर 9 को यहां से स्टार्ट करता हूं 0/11 से। ठीक है, लिखना है इसको 0/11 आपका 0 का, 1/11 माइनस है, -2/11, -3/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11 और ये -11/11 जो आपका माइनस हो जाएगा कट के। ये 0 और -1 के बीच की ये तीनों वैल्यूज हैं, तो -2/11 का आएगा यहाँ पे। और आपको पता है कि -2/11, -5/11 और -9/11 तीनों नंबर जो है आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटे है। तो इसका आंसर हमेशा आपके 1 से छोटा आएगा, तो 1 से छोटा ही देखिए आपको 0 और -1। ठीक है, इससे छोटा होता है वहां उसकी कंडीशन में माइनस है तो -1 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे -2/11 यहाँ रिप्रेजेंट होगा, -5/11 यहाँ रिप्रेजेंट होगा, -10/11 आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको 5 रजिस्टर नंबर्स बताने हैं स्मॉलर देन 2। ठीक है, 2 से छोटे 5 रजिस्टर नंबर। देखिए 2 से छोटे कौन से नंबर हो सकते हैं, 1/2 से छोटा होता है, 1/8 से छोटा होता है, 1/2 से छोटा होता है, 1/2 से छोटा होता है, 1/2 जो है 2 से छोटा है, 1/2 से छोटा है। ठीक है, और जो आपका 1/4 होता है, 1/4 है, वो 2 से छोटा है। तो ये सारे इस हिसाब से अपन नंबर लिख सकते हैं 3/2, जिसकी वैल्यूएशन 1.5 है, 8 होती है, 2 से छोटा हो जाएगा 1/1। अब रेशनल नंबर आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो, आपके होल नंबर ये जो होते हैं टीचर्स या रोल नेचुरल नंबर, ये भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये भी आप 3/2 फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्या है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि q आपका 1 या 2 हो सकता है और p 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो 1/1 2 से छोटा, 3/4 0.75 होता है, ये भी आपके 2 से छोटा। फिर 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.5, ये भी 2 से छोटा। फिर 1/4, इसकी वैल्यू 0.25 होती है, ये भी आपके 2 से छोटा। और फिर 0/1, इसकी वैल्यू 0 होती है, मगर ये 2 से तो छोटा ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो आप 3/2 की फॉर्म में q 0 नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सारा आपके क्या हो जाएंगे, 5 रजिस्टर नंबर स्मॉलर देन 2 हो जाएंगे। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद भी बना सकते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 10 रजिस्टर नंबर आपको बताना है बिटवीन -2/5 एंड 1/2, इसके बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल नंबर के आप देखिए डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो पहले से क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है नंबर्स के लिए। तो सेम कैसे किया जाता है, एलसीएम लेने से। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए 5/2 है, 5/2 दो है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो आपका एलसीएम कैसे आएगा वो बताएंगे। ठीक है, 5/2 कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, फिर ये 10 ऊपर जाएगा तो 5 से टाइम कटेगा, 2/2 होकर यहाँ पे -4 आ जाएगा। फिर ये 10 यहाँ पे ऊपर जाएगा, 2 से 5 टाइम करके 5/2 होकर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके नंबर से हो जाएंगे -4/10 और 5/10, ये दोनों तरह देखिए -4/10 और 5/10। अब -4/10 और 5/10 के बीच में अगर मैं देखूँ तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 यानी सिर्फ 8 नंबर आ रहे हैं। तो इसका एलसीएम लेने से भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन अगर 5, 6, 7 और 8 तक तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ सकता था। 10 क्वेश्चन का क्या करेंगे, इसको डबल करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने डबल किया, इसके इक्वलेंट निकाले इनटू 2 करके, तो 4/10 इनटू 2 इनटू 2 करूंगा तो 2 से 8, 10 से 20,
मिल जाएगा, 5 बाय 10 को इंटीग्रेट करोगे तो 5 टू द 10 दैट इज 20 हो जाएगा। अब इसके बीच में जो रेशियो पर है माइनस 1 और 10 के बीच में आपको काफी सारे नंबर मिल जाते हैं, करीब 15 से ऊपर ही नंबर होते हैं, तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा माइनस 7 बाय 20 माइनस 1 बाय 20 से छोटा है, ठीक है, माइनस 6 बाय 20 माइनस 5 बाय 20 माइनस 2 बाय 20 माइनस 1 बाय 20 और फिर प्लस में ले लेते हैं कुछ नंबर आपके 1 बाय 20 3 बाय 20 5 बाय 20 7 बाय 20 और 9 बाय 20, ठीक है। तो अपन इस प्रकार से इसके बीच के जो नंबर है वो निकाल सकते हैं, मतलब माइनस आपके 2/5 और 1/2 के बीच में ये इतने सारे रेशियो नंबर बन सकते हैं, ठीक है। आप किसी से भी मल्टीप्लाई बाय करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर बनते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। फिफ्थ क्वेश्चन आपका 5 रेशियो नंबर निकालना है आपको 2/3 और 4/5 के बीच में, यहाँ पे भी आपने क्या है डिनोमिनेटर सेम ही है, तो अब इसको कैसे करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3/15 होगा, 15 ऊपर जाएगा तो इसे फैक्टर करेंगे तो फैक्टर सॉल्व पे क्या आ जाएगा 15 ना ऊपर जाएगा फिर से 3 टाइम करेगा तो 4 सॉल्व पे क्या आ जाएगा आपके 10/15 और 12/15 आपके नंबर बन जाएंगे सेम डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर के साथ, मतलब इनके बीच में एक ही रेशियो नंबर है वो है 11/15, ठीक है। कि यहां पर क्या करना है इसको कितना निकालना है फैक्टर निकालना है साइंस को 3 टाइम करके देखते हैं मल्टीप्लाई तो 10 = 30 = 45 फिर 12 = 36 और 15 = 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 30 और 36 के बीच में क्या क्या आता है 31 32 33 34 35, ठीक है, यहाँ पे 35 हुआ, ठीक है, तो 35 तक आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है, इसके बीच के यानी 31 upon 45 32 upon 45 33 upon 45 34 upon 45 और 35 upon 45 जो है आपके इसके बीच के नंबर मिलेंगे 30 upon 45 36 upon 45 जो भी इसके बीच में देखिए 2/3 और 2/5 के, ये आपका रेशियो का आंसर हो जाएगा। इसमें सेकंड नंबर आपको बोर्ड पर सेलेक्ट करना है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 वो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5 इज नंबर ग्रेटर देन लाइक सेकंड लास्ट ग्रेटर देन -2 -2 से बड़े नंबर। अब इसमें देखिए आप क्या ले सकते हैं अपन -5/2 ले सकते हैं, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा आपका -2/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में -6/2 ले सकते हैं तो -2 हो जाएगा, -7/2 ले सकते हैं जो आपके क्या हो जाएगा -3/5 हो जाएगा, -8/2 ले सकते हैं तो -4 हो जाएगा और -9/2 ले सकते हैं जो -4.5 होगा। देखिए यहाँ पे जैसे अगर वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है, तब तो क्या होता है कि जितना माइनस का नंबर होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है बड़ा होता है, मगर अपन फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे देखते हैं जैसे बड़े दिखने वाले नंबर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में ये हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए 10 रेशियो नंबर आपको 10 रेशियो नंबर जो है बनाने हैं, इसके बीच में 3/5 और 3/4 के बीच में, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 5/4 से 20 हो जाएगा, 20 ऊपर जाएगा आपका तो 5 से कटेगा 4/10 = 12 हो जाएगा, अगेन 20 ऊपर जाएगा यहाँ पे 4 से कटके 4/5 = 20 और 5/15 हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपके 12/20 और 15/20। अब इन दोनों के बीच में तो सिर्फ आपके 13 और 14 ही आ रहे हैं, ठीक है, और आपको चाहिए क्या है तो अपन इसको 4/10 करके देख लेते हैं, 12/4 = 40 है और 20/4 = 80 15/4 = 60 और 20/4 = 80। अब इसके बीच में हमें दूसरा 11-12 नंबर आ रहे हैं तो हम उसमें से मिलेंगे 49/80/50/80/51/80/52/80/52/80/55/80/56/80/57/80 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ में आपके जो है ये एक्सरसाइज खत्म होती है, इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर